श्री रामदास श्री तरश। धन्यवाद सभापति महोदय। अमरावती जिला के अंतर्गत मध्य प्रदेश बॉर्डर से प्रारंभ होकर धारणी अचलपुर अमरावती नांदगांव खंडेश्वर यवतमाल जिले से समाप्त होने वाला राज्य महामार्ग क्रमांक 14 राज्य सरकार के अधीन आता है। इस प्रमुख सड़क को राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता है। कुल 303 किलोमीटर लंबाई का ये मार्ग मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है, जो पर्यटन केंद्र चिखलदरा, मेघाट रैक प्रकल्प, आदिवासी बहुल धारणी तहसील के साथ अचलपुर तहसील को सड़क से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। मेरे संसदीय क्षेत्र नांदगांव खंडेश्वर तहसील से गुजरने वाली यह सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण दुर्घटना को वृद्धि हुई है। राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर न होने के कारण इस सड़क की आवश्यकता मरम्मत न होती रही। प्रवासी वर्ग को आयात करने समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनता तथा प्रवासी वर्ग ही ध्यान में रख के सदन के माध्यम से मेरा सड़क केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश बॉर्डर से प्रारंभ होकर धारणी अचलपुर अमरावती नांदगांव खंडेश्वर यवतमाल जिले के समाप्त होने वाला राज्य महामार्ग 14 को राष्ट्रीय महामार्ग अधिसूचित करने की कृपा करें। धन्यवाद।